कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीज पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो हस्तगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीज की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की देखा कितनी भी विरोधी कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलझ जाती है, अपने आप से बच जाता है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते। इतना सुंदर कहा है, जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को छिन्न कर देता। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते तो काला का एक भाग काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अब शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो, भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा, पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती, 8 दिन के बाद ना जाने क्या हो जाता, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद ना जाने क्या हो जाता, तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं, तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं आते, उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा, फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या हो। या तो बहुएं या सास या घर में रहने वाला कोई व्यक्ति या घर के बच्चे दिए में दिया रखकर जला देते, मतलब उस बाती को फिर रखकर जला दिया, तो अब उसको तो तुम्हें भोगना है, अब उनको नहीं मालूम कि गलती क्या हो रही, गलती अपन कर रहे। कितना सुंदर संवाद है, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराण में स्मरण करिएगा, कार्तिक खंड स्कंद पुराण का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़िए। बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, अर्थात घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उसमें इतना घी इतना तेल मत डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए और तेल और घी उसमें पड़ा कि पड़ा रह जाए। कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा, आप दशा माता की पूजन करने गए हो या पीपल की पूजन करने गए हो या वृक्ष की पूजन करने गए, आंवले की पूजन करने गए, बेलपत्री का पूजन करने गए, तुमने तो दिए में घी डाल लिया ज्यादा, बत्ती भी लगा दी तुमने और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसमें घी पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा रह गया। महाराज, जिस व्यक्ति ने दिया लगाया, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वो कुंवारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है, कहीं कमर दुखेगी, कहीं घुटना दुखेगा, कहीं पीठ दुखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं ये सिर का जो गले का भाग होगा कान के पास का ये दुखना चालू हो जाएगा, ये पीछे का भाग दुखेगा, तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो जरा क्या, सब हमें जांच कर लो, जांच में तो कुछ भी नहीं निकल रहा, दवाई भी खाते हैं थोड़े दिन आराम लगता है फिर वैसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, कारण हमने खुद उत्पन्न करा है कि किसी वृक्ष की पूजन करी, उसमें तेल घी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो गए जब तक बैठे दिया जल रहा था, उठ के गए हवा लगी दिया ठंडा हो गया, और उसमें जितने समय तक वो घी और तेल पड़ा हुआ है, 15 मिनट 10 मिनट 25 मिनट 50 मिनट, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो वो बार बार पलट पलट कर वो स्वास्थ्य को खराब करेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच करो। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती,
बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई पड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे एक सफेद फूल पुष्प कुंद कैश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा ना मन में अशांति होगी, इतना पावर बाबा दे देंगे कुंद कैश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प श्वेत कुंद कैश्वर महादेव, कुंद कैश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख लेने दो। नवरात्र चल रहे, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं आदि शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको तीन जगह पर जरूर लगाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। नवग्रह जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए, शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, तीन जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी नवग्रह परेशान नहीं कर सकते, शंकर की कृपा बरसती है। शंकर भगवान पर के तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं। प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े, कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है और रोग क्षीण होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए, शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत क्षीण होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है तो बिना नहाए ना उतारना। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाए, शिव महापुराण के अनुसार।